की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज और कल बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में लगभग 13,000 छोटे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में वरिष्ठ नेता आडवाणी जोशी के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सभी मेयर और जिला स्तर के नेता भी शरीक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पूरे देश से आए हजारों कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं सरकार की उपलब्धियों के बखान और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया जाएगा वहां पर, और मिशन 2019 के लिए कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए भी कहा जाएगा। तो बीजेपी का महाधिवेशन दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिशन 2019 सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य अधिवेशन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां पर पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें आपको, उद्घाटन हो चुका है दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। तस्वीरें आप देखिए, रामलीला मैदान में अधिवेशन का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। पीएम मोदी, अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और सांसद, विधायक, मेयर, जिला स्तर के सभी जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार में मंत्री, मिशन 2019 के लिए कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए भी यहां पर कहा जाएगा, जीत का मंत्र दिया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव बेहद करीब, उसी के मद्देनजर ये महाअधिवेशन। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अधिवेशन में मोदी और शाह पहुंचे। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं अधिवेशन से लाइव जो तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। वहां पर सभी को शॉल उड़ाकर, शॉल पहनाकर, फूल देकर सभी का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय श्री विजय गोयल जी। और इसी पर मेरे सहयोगी कुमार पुष्कल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुमार के पास सीधे चलते हैं। कुमार, महाअधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है, मिशन 2019 का आगाज क्या कुछ अभी हो रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से 5 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं अब मिशन 2019 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और आज जिस तरह से रामलीला मैदान में जो राष्ट्रीय जो अधिवेशन है पार्टी की, वो शुरू हो चुकी है। खासकर तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उस मंच पर, रामलीला मैदान के मंच पर पहुंच चुके हैं। और अब साफ तौर पे ये देखा जाए कि जो तमाम राज्यों से जो डेलीगेट्स हैं, मंडल से और राज्यों से, वो कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं। क्योंकि आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि 12,000 कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे आज बीजेपी के। बिल्कुल दीपा, आपने सही कहा, 12,000 से लगभग और भी ज़्यादा कार्यकर्ता जो तमाम राज्यों से जो डेलीगेट्स हैं, वो रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि मिशन 2019 की तैयारी भाजपा शुरू कर दी है आज के शंखनाद के बाद। और थोड़ी देर के बाद अभी अध्यक्षीय उद्बोधन होगा, जिसमें अमित शाह अपना पक्ष रखेंगे, कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कहीं ना कहीं। 2019 के सीधे तौर पर तैयारी है, पहले सियासी खिचड़ी पकाई गई दिल्ली में, उसके बाद महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। जीत का मंत्र आज दिया जाएगा, सब प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो, अपनी अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कुल मिलाकर यही है मकसद। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे कि आखिरकार तैयारियां कैसे करनी है 2019 के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7:30 बजे के बाद आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव भी। ठीक है कुमार, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर आऊंगी। पत्रकार की हत्या मामले में राम रहीम दोषी करार हो गए, बड़ी खबर आपको बता दें। पत्रकार की हत्या 2000